हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं, आज सुबह सुबह मेरे को क्या काम मिला पता है? ये देखिए और वो देखिए और उसको खिलाने के लिए ये देखिए, देख रहे हैं? ये मेरा बाप ले, ये देखिए गाइस। कल रात में जो मार्केटिंग करने गए थे, इस छोटू के लिए भी कपड़ा आया था। ये देखिए भाई पहना है, देख रहे हो? वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है, वो भी दिखा रहा है। गाइज उसका चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डोडो तुम अपना शूज नहीं दिखाए, क्या शूज लाए हो? ब्लॉग में दिखाओगे ना शूज? मम्मी को बोलो उतारेगी। खोल के दिखाओ ब्लॉग में। ये देखिए गाइज, ये डोडो का शूज चप्पल है और ये मेरा है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। डोडो का हो गया, चलो रखो। ये लो, 12 फीट नहीं, उसको नंबर बोला जाता है। हाँ देखिए, हेरे हेरे केन लागे छे, एकदम बंदर की तरह। गाइस आज डुगू का फैन वाला पहले से आके रेडी था। ये देखिए पीछे से दिखे उठ रहा है। टड़ा तो गाइस डुगू तो चला गया, और रात में वेदर इतना अच्छा हो जाता है। नॉर्थ बंगाल में बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद यहाँ पे है, और बारिश कहाँ सिलीगुड़ी दार्जिलिंग साइड में हो रहा है, वहाँ पे तो बाढ़ आ गया, इतना बारिश हो रहा है। अच्छा, सुबह के टाइम में यहाँ पे इतना ह्यूमिडिटी रहता है, इतना गर्मी रहता है, हिम्मत पूछ। ये हम लोग का लोकेलिटी गाइस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत शांत है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम नेचुरल एयर। तो गाइस ये रहा अपना प्लांट सब, देखिए कितना मस्त लग रहा है दूर से, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं। ये नीम का प्लांट थोड़ा सा खड़ा हो जाए तो इसको जाके प्लांटेशन कर देंगे। और गाइस अपने पास जो हिबिस्कस का प्लांट था वो मम्मी ग्राउंड कर दिए, मतलब जमीन में लगा दिए। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ लगाइए, अपने घर के पीछे। ये देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है गाइस। तो आ गए हम लोग अपने घर के पीछे, और मम्मी देखिए कहाँ लगाई है पेड़ को। कहाँ लगाई है? तो गाइस अब हम लोग का बागीचा बोले या कुछ भी बोले, तो पीछे बैक साइड है ये हम लोग घर का। और ये देखिए मम्मी एक नीम का पेड़ भी यहाँ पे लगाई है, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। और कहाँ गया ये देखिए, अरे शाबाश कितना बड़ा हो गया गाइस, देखिए ग्राउंड करने के बाद ना जल्दी बड़ा हो गया। और यहाँ पे और एक है, ये नींबू का पेड़ है, तो देख सकते हैं हम लोग का बैकयार्ड में कितना सारा पेड़ है, एकदम मस्त। थोड़ा गाइस यहाँ पे दीवार खड़ा करना है, दीवार खड़ा करने के बाद और भी ज़्यादा पेड़ इधर लग जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा बैकयार्ड, क्या बात है, कमेंट करके बताइएगा। और देख सकते हैं यहाँ, देखिए इतना सारा फूल का पेड़ है, ये देखिए ये नींबू का। तो गाइस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और फटाफट तैयार होते हैं ऑफिस के लिए, और आपसे मिलते हैं इन द ऑफिस ब्लॉग। एवरीवन वेलकम बैक टू माय ऑफिस ब्लॉग। गाइस 10:10 टाइम हो गया है और अभी तक कोई नहीं आया। और गाइस पता है उधर के जो दो पेड़ लगाए थे वो है अभी भी, बट इधर का पेड़ के ऊपर कोई सामान फेंक दिया है, तो आज उसका भी इलाज करेंगे, तो साफ सफाई करेंगे। चलते ऑफिस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अपने ऑफिस के पास जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये देखिए कितना बड़ा मशीन आया, जैसे लगता है बंदूक है। ये देखिए ड्रिलिंग करने वाला है, इसे ड्रिल होता है, देख रहे हैं कितना ड्रिल करके मिट्टी निकला है। इन लोगों को पहले चाहिए था चारों साइड से पहले पेड़ लगा लेता, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता, तो नेचर को भी हार्म नहीं पहुँचता। कोई नहीं, कितना सिखा सकते किसी को। तो गाइज आपको स्टैंड रोड का भी व्यू दिखाते, कितना आदमी काम करने आ रहा है, बाप रे देख रहे।
और ये लोग वो सब हैं जो लॉन्च से आते हैं, मतलब जो बाई वाटरवेज आते हैं। बस तो अलग है, ट्रेन अलग है, समझ सकते हैं बड़ा बाजार में कितना एम्प्लॉयमेंट है। थोड़ा थोड़ा सा की वजह से बड़ा बाजार बदनाम हो जाता है। तो गाइस 3 बज गया है और हम आ गए हैं लंच करने के लिए। तो अपने यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए, आपको खिड़की से दिख रहा हो कि नहीं? नहीं। क्लाउडी वेदर हो गया और बारिश भी हुआ है थोड़ा सा। तो गाइस फटाफट लंच कर लेते हैं, ऑफिस के अंदर में ही बाहर निकले नहीं है जिसके वजह से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाए हैं। तो अपने पेड़ों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, जो ट्रीज प्लांटेशन किए थे। बारिश का पानी का वैल्यू कुछ अलग होता है। फटाफट लंच कर लेते गाइज। तो गाइज 5:55 टाइम हो गया और अब घर जाने का टाइम हो गया। सुबह से बैठे बैठे ऑफिस में एसी के अंदर मेरा देह दर्द करने लगा है और ये लोग तो बाहर फिर भी निकला है और हम निकले भी नहीं। तो गाइज आज का ऑफिस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलते हैं होम ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। तो गाइज इतना तेज बारिश हो रहा है बाहर में, अभी हमको रेनकोट पहनना पड़ेगा तभी जा सकते हैं, वरना पूरा भींग जाएंगे। और उधर से ससुर जी फोन करके बोले हैं कि आपको थोड़ा आना है मंदिर से। बॉय क्या करेगा, इस दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलते हैं, रेनकोट पहनते हैं, निकालते हैं बैग से। लेकिन गाइस एक चीज़ अच्छा हुआ कि जितने सारे प्लांट्स लगाए थे वो सब अब लग जाएगा, अगर कोई इंसान ना उखाड़े तो सारा प्लांट बारिश के वजह से बहुत अच्छी तरीके से जम जाएगा। तो गाइस कैसे नहीं आता, ससुर जी वाली बात है। तो आ गए हैं ऑफिस से डायरेक्ट मंदिर से, और ये सालकिया स्कूल रोड है, उसे सालकिया स्कूल रोड बोला जाता है। और ये अपने अपना मंदिर, ये बजरंगबली जी का मंदिर है, सारे भगवान विराजमान हैं। तो गाइस आज कस्टमर लोग भी बहुत सारा फ़ोन किया है दुकान पे, बोला जल्दी से आ जाओ काम है, तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, दुकान में भी बहुत सारा काम है। तो फटाफट यहाँ काम निपटाते हैं, घर चलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ब्लॉग। आ गए गाइस घर और सभी टाइम हो रहा 7:15 और मेरे गोदी में कौन है देखेंगे। ये देखिए इसको वाइफ सुला रही थी और जैसे ही मेरा आवाज सुना पटाक से उठ गया। चल झूठा, सब 2 सेकंड टाइम नहीं लगा इसका आँख खुल गया। गाइस अब फटाफट दुकान चलते हैं, 7:15 टाइम हो गया, कस्टमर्स आर कॉलिंग मी, तो चलते हैं दुकान। अब थोड़ा दवाई ववाई पहले खा लेते उसके बाद। तो गाइस 10:55 टाइम हो गया, 11 बजने वाला है और अभी तक हम घर नहीं गए। घर क्यों नहीं गए, तो मम्मी फ़ोन की थी, मम्मी का कुछ डॉक्यूमेंट का काम था तो वो फ़ोन की, तब जाके मेरे को याद आया, तो जाके अभी हम करने के लिए बैठे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं की तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। कल डुबू का बर्थडे है तो उसके लिए भी केक लेना है गाइस, तो अभी रात के 11 बजे अभी मेरे को केक लेने जाना है, तो क्योंकि वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने स्कूल फ्रेंड्स लोग को, क्लासमेट्स को, उसके लिए भी केक लेना है। तो गाइज मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, डुगू के बर्थडे के दिन के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन दबाना ना भूलना गाइज, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।